हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर जिन्होंने हिंदी सिनेमा में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपनी दमदार अदाकारी से लाखों दिलों पर राज किया, उस दिग्गज कलाकार का नाम था शशि कपूर। 70 के दशक में उन्होंने हर बड़े निर्माता निर्देशक के साथ काम किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया और उनके परिवार को पैसों की तंगी से गुजरना पड़ा। आज इस खास स्टोरी में हम आपको शशि कपूर के बारे में कुछ ऐसे ही अनसुने किस्से बताने जा रहे हैं। यूं तो शशि कपूर ने बहुत ही सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन 60 के दशक में उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद ही हो गया था। इस बात का खुलासा खुद उनके बेटे कुणाल कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। कुणाल ने बताया था कि उनके पापा शशि कपूर को 60 के दशक में फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था, जिसकी वजह से पैसों की काफी तंगी होने लगी थी। इसी वजह से पापा ने अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स कार तक बेच दी थी और उनकी पत्नी जेनिफर को भी रुपयों के लिए अपना सामान बेचना पड़ा था। उस वक्त शशि कपूर की ऐसी हालत हो गई थी कि इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस भी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थी। ऐसे में एक्ट्रेस नंदा ने उनका साथ दिया और दोनों ने साथ में फिल्म जब जब फूल खिले की, जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई। एक तरफ जहां शशि कपूर ने बहुत ही पारिवारिक फिल्मों में काम करके फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी कुछ फिल्में खूब विवादों में भी रही। शशि की फिल्मों में सबसे ज्यादा जो फिल्म कंट्रोवर्शियल में रही वो थी कॉनराड रूक्स की फिल्म सिद्धार्थ। इस फिल्म में शशि कपूर के साथ एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल लीड रोल में थी। इस फिल्म में बहुत से आपत्तिजनक सीन थे। इस फिल्म का एक सीन था जिसमें सिमी ग्रेवाल ने न्यूड सीन दिया था और शशि कपूर इस सीन में उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। उस दौर में हिंदी फिल्मों में इस तरह के सीन करना काफी बड़ी बात मानी जाती थी। ऐसे में सिमी और शशि की वो तस्वीरें अंग्रेजी मैगजीन के कवर पेज पर छपी थी, जिस पर खूब बवाल मचा था। इतना ही नहीं, ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से इसे भारत में रिलीज करने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन ये फिल्म अंग्रेजी भाषा में विदेश में रिलीज हुई थी। आपको बता दें कि शशि कपूर को आखिरी बार साल 1998 में आई फिल्म साइड स्ट्रीट में देखा गया था, जिसमें उनके साथ शबाना आजमी लीड रोल में दिखाई दी थी। उसके बाद वो धीरे धीरे लाइमलाइट से दूर होते चले गए और 4 दिसंबर 2017 को शशि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।